ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की बटरफ्लाई फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस वीडियो में गाइस मैं जितना बैकग्राउंड पेन जिसका यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इजीली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड अगर गाइस अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड गाइस मैंने आप सभी के लिए एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जिसमें गाइस मैं आप सभी को यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं। तो गाइस अगर आप में से कोई भाई इंटरेस्टेड होता है उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, फिर आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप जाकर चैनल को चेकआउट जरूर करना। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है क्या गाइस, आप सभी को अपनी फोटो का पहले आ रहा है यहाँ पे ना कलर एडजस्ट करना है, ठीक है। तो हम इसका कलर एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ समझेंगे टूल्स हम फिर एडजस्ट में जाने के बाद गाइस इसमें हमें थोड़ी सी इसकी शेडो जो ऊपर की तरफ बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि शेडो कुछ ज़्यादा ही है इसमें। एंड इसके बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को सैचुरेशन वाला ऑप्शन में जाकर इसका थोड़ा सा सैचुरेशन माइनस कर देना है, ठीक है, अपनी फोटो का। एंड उसके बाद यहाँ पर डन कर देना है। देन गाइस आप सभी को यहाँ से चले जाना है ये इफेक्ट वाले ऑप्शन में, यहाँ पे गाइस आपको जाना ब्लर वाले ऑप्शन में। ब्लर वाले ऑप्शन में जाने के बाद गाइस आपको जो ब्लर होगा गाइस जिसको आपको अमाउंट रखना है 5 तक, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आपको इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ से आपको इसको अनडू कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस जो भी अपने फोटो को सेव किया था गाइस आपको सिंपली इसको लेना है। एंड यहाँ पे गाइस आपको इसको सेम वैसे ही साइज में रख देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जाना आपको रेजर टूल में इसको इन्वर्ट कर देना है, ब्रश को लेना है। एंड गाइस जो साइज होगा अपने अकॉर्डिंग रख लेना। एंड गाइस अपने फेस एंड हैंड के ऊपर आपको इसको सिंपली ऐसे पेंट करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। एंड गाइस जितना हो जाने के बाद आप सभी को दोबारा ऐड फोटो में जाना है। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ से ले लेना है बटरफ्लाई का पीएनजी। एंड गाइस बटरफ्लाई का पीएनजी लेने के बाद आप सभी को फिर करना आपको कुछ इस टाइप से ऐसे साइज कर लेना अपने उसका। देन उसके बाद जाना इरेजर टूल में, यानी कि नीचे का जो बटरफ्लाई है इसको आपको सिंपली इरेज कर देना है। देन आपको डन करना है, फिर गाइस आपको इसको ना रोटेट कर लेना है, ठीक है। तो हम इसको रोटेट कर लेते हैं। एंड गाइस कुछ इस टाइप से आप सभी को अपने इसको फिंगर के पास ऐसे कुछ रखना है, ठीक है। अगर आप ऐसा पोज करते हो सेम तो गाइस आपको ऐसे ही रख लेना है। एंड थोड़ा सा एरिया रह गया इसमें इरेज करने के लिए, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से इरेज कर लेता हूँ, तो ऐसे में से फटाफट करते हैं, ठीक है। एंड गाइस यहाँ से इरेज हो गया। अब उसके बाद आपसे फ्री का करना है आपको गाइस इसी का एक डुप्लीकेट करना है। आपको रिजल्ट टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको फिर डुप्लीकेट कर देना है सबसे लास्ट वाले ऑप्शन से। देन इसको रोटेट करके आप सभी को कुछ इस टाइप से अपने ऊपर की तरफ हैंड जो दिख रहा है आपका सर के ऊपर जो है उसके ऊपर आप सभी को रख देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर इसी का डुप्लीकेट कर देना है दोबारा से। एंड उसके बाद गाइस आपको इसको रोटेट करना है यहाँ पे। एंड उसके बाद गाइस आपसे कुछ इस टाइप से आपको अपने यहाँ पे शोल्डर के पास ऐसे कुछ इस टाइप से रख देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपसे फिर क्या करना है, कुछ साइज हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसका, ठीक है। सो इतना कर देने के बाद आपसे गाइस यहाँ से अब इसको कर देना है यहाँ पे डन, ठीक है गाइस, क्योंकि यार आपसे एक दूसरा पीएनजी दूंगा मैं आप, ठीक है, ब्लर वाला बटरफ्लाई का, तो आपको सिंपली उसको ऐड करना है। तो ऐसे हम ऐड फोटो में चलते हैं एंड पीएनजी यहाँ से हम ऐड करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आपको सिंपली इसको लेना है। एंड उसके बाद आपको इसको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐड कर देना है, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गाइस एकदम परफेक्ट तरीके से ऐड हो चुका है, तो अब आपको यहाँ पे इसको डन कर देना है। एंड गाइस अब आप सबको अपना इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है एंड इसको लाइट रूम ऐप में लेके चलना है। एंड गाइस वहाँ पे एकदम रियलिस्टिक से एकदम फोटो बना देंगे इसको रिटच करके, तो उसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको जाना है लाइट वाला ऑप्शन में, इसका कॉन्ट्रास्ट जो होगा जिसको यहाँ पे कम कर देना आप सभी को। एंड जो गाइस इसका हाईलाइट होगा गाइस आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, फिर जो गाइस शेडो होगा इसको भी इंक्रीज कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको नीचे मिलेगा ये ब्लैक, इसको भी थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है, ठीक है। तो इसको ब्लैक कम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं एंड वाइट को थोड़ा कम कर देते हैं। देन चलते हैं कलर्स वाले ऑप्शन में, इसकी वाइब्रेशन को आपको बढ़ा देना है, इसका टेम्परेचर थोड़ा माइनस कर देना है। एंड चले जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको थोड़ा कम कर देना है, ठीक है। एंड चाहो तो ल्यूमिनस बढ़ा सकते हो अपने फेस के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे जाना है डार्क ब्लू में, इसका जो सैचुरेशन ह्यू होगा आप इसको कोई भी टोन में दे सकते हो। एंड सैचुरेशन आप इसका थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद आप सबको फ्री का करना है, आपको यहाँ पे मिलेगा एक यहाँ से पर्पल कलर, आपको इसका थोड़ा सा सैचुरेशन माइनस कर देना है। देन यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस जाना आपको नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी हुई गाइस आपको उसको क्लियरिटी ने पहले विग्नेट को आपको डाल देना है, ठीक है, ज़्यादा मतलब 44 तक उस विग्नेट डाल देना है। एंड उसके बाद आप सबको क्लियरिटी को इंक्रीज करना है। देन जाना आपको नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे मिलेगा एक ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड नीचे वाले टूल में जाना है, फिर आप सभी को फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको बढ़ा देना है। एंड जो गाइस नोइज रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद नीचे में लिखा आपको कलर नोट रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं गाइस आप सभी के सामने जो भी फोटो का रिजल्ट आया हमारा, तो गाइस ऐसा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।